जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रावण ने आपकी राशि के बारे में कुछ भविष्यवाणी करी थी, कुछ बातें बताई थी जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई थी। और मैं आपको ये बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि ये बात अगर आपको पता लग जाएगी तो शायद आप अपने जीवन में वर्तमान इस कलयुग में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। वो बातें कौन सी थी, वो बातों में कौन सी सावधानियां थी, उन बातों को कैसे हम फॉलो करें, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रावण हमारे समाज में एक नेगेटिविटी का नेगेटिविटी नकारात्मक भाव में, क्योंकि भगवान राम, उन्होंने माँ सीता का हरण किया था, लेकिन उसके साथ वो एक प्रकांड पंडित थे, वो एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे और उन्होंने शिव तांडव लिखा है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई बताई है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो पूरी उन्हीं बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और ये बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको एक सही जानकारी मिले जिससे कि आप इन बातों को समझकर शायद जीवन में किसी परेशानी से, किसी तकलीफ से बच सकते हैं। तो वो बातें कौन सी हैं, इस पूरे वीडियो में हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करना। अगर चैनल पर बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात, और उन्होंने भविष्यवाणी और रहस्यमय जो बातें आपके लिए की थी कि कभी भी किसी को अपने आर्थिक घाटे वर्तमान में यदि हो रहा है या कभी भविष्य में हुआ हो, भूत में हुआ हो या भविष्य में भी होने वाला है जो संभावित है, कभी भी उस घाटे के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि रावण का ऐसा मानना था कि जैसे ही हम किसी को हमारे घाटे और आर्थिक रूप से चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं तो समाज में मुख्यतः लोग हम पर विश्वास करना कम कर देते हैं। दूसरी बात है, विश्वास के साथ साथ लोग हमसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आर्थिक घाटे को किसी को भी बताने से जितना हो सके उतना हमें बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरा होता है अपने रहस्य। ये बात रावण ने इसलिए बात कही थी क्योंकि रावण का एक रहस्य था, क्योंकि नाभि में अमृत छुपा है। वो रहस्य बहुत सिर्फ 2-3 लोगों को ही पता था और उस वजह से उस रहस्य को किसी को भी ना बताएं। मतलब उसमें एक बात इंक्लूड करें कि वो रहस्य कभी किसी को ना बताएं। वो रहस्य जैसे ही पब्लिक डोमेन में या किसी एक अन्य व्यक्ति को ही पता होता है तो वो हमारे लिए हानिदायक हो जाता है। इसलिए कभी भी जो गोपनीय बातें हैं उन्हें गोपनीय रहने दें, क्योंकि अगर वो गोपनीय रहेंगी तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तीसरी बात होती है महिला और पुरुष, पति पत्नी के बीच की जो बातें हैं, कभी भी वो बातें सामाजिक या पब्लिक डोमेन में नहीं बताना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। अपने माता पिता, घर परिवार, जितने सारे सदस्यों के हमारी बातें हैं वो हम तक ही सीमित रहें। और चौथी बात है कि घरेलू विवाद घर में बैठकर सुलह कर ही समाप्त किए जा सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।